हे गाइस, दिस इज पल्लवी एंड सोनम और हम आप सभी का बॉलीवुड मिरर में स्वागत करते हैं। और आज अर्जुन कपूर की मूवी इंडियाज मोस्ट वांटेड का ट्रेलर आया है। इसका ट्रेलर 24 मई को आया था लेकिन आज ट्रेलर आया है। पल्लवी, जो ट्रेलर है वो ज्यादा रिवीलिंग नहीं है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया इस मूवी में अर्जुन कपूर के साथ चार और लोग हैं। मतलब कुछ खास नहीं होते हैं ये लोग, लेकिन बिना गोली और बिना किसी हथियार के इस्तेमाल किए इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पकड़ कर लाते हैं। तो चलिए ट्रेलर देखते हैं और आपको बताते हैं हमें क्या लगा ट्रेलर से, क्या एग्जैक्टली पता चलता है। आज तक ये पता नहीं कर पाए लगातार ये जो सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं इनके पीछे किसका हाथ है। पल्लवी, कभी कोई पता कर पाता है ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है? नहीं, इस जंग में कुछ भी हो, चाहे मरेंगे या मारेंगे, मिलेंगे तो जन्नत ही। इसे कहते हैं डायलॉग इंडिया उसामा। और ये चार के मोस्ट वांटेड को पकड़ कर लाओगे, वो भी बिना किसी हथियार के और बिना किसी सपोर्ट के? यस। तुम्हें कैसा लगा अर्जुन कपूर? चौड़ी छाती वाला बहुत ही जैसे बहुत ही फुला फुला लग रहा है अर्जुन कपूर। चलो देखते हैं आगे। इनका 36 नहीं, मुझे लगता है ना 56 इंच का सीना हो गया है। सिर्फ 4 दिन है तुम्हारे पास। 4 दिन इस ऑपरेशन को आईएमडी फंड नहीं कर सकती। ऊपर से मना किया गया है। 15 अगस्त के हेलीकॉप्टर से करोड़ों का फूल बरसाते हैं, लेकिन देश के 50,000 नीचे से बेचारे अंकल। सही कहा ना, दिल की बात कह गए। वाकई इतने फालतू खर्चे होते हैं। लेकिन अब दो रेस्ट पर कैसे जाएं? कहां जाना है? काठमांडू। कोई आईडी नहीं, कोई वेपन नहीं। 4 दिन में लोग ढूंढ के निकालेंगे बिना हथियार बिना आईडी। पैसिफायर बन के घूम रहे होंगे ना, शांति प्रिय लोग हैं। अर्जुन कपूर कैसा लग रहा है? फायदा तो आपका हो सकता है, लेकिन नुकसान बराबरी का हो सकता है। ये डील बड़ी अजीब नहीं थी? बहुत ज्यादा, बहुत सुस्त नहीं लग रहा है तुम्हें अर्जुन कपूर? जैसे लग ही नहीं रहा है कि वो इस रोल में अपने आप को बखूबी दिखा पा रहे हैं, बहुत ही सुस्त लग रहा है। ये तो ट्रेलर है ना, अभी पिक्चर बाकी है। तब भी खतरा हो सकता है। ये हुई ना बात। लड़का पागल हो गया। पागल? वाकई कई जगह पे ऐसी स्प्रिट की जरूरत होती है। इस पर हाथ से निकल गया ना, शायद कभी ना पकड़ पाए सर। मतलब डायलॉग्स तो बहुत अच्छे हैं उसके, मतलब काफी ज्यादा हैवी डायलॉग्स वाले, आपको एकदम गूज़बम्प्स देते। लेकिन शायद अर्जुन कपूर तो बेहतरीन तरीके से उसको पेश नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है हमने इन्हें ना इस तरह के कैरेक्टर में पहली बार देखा है। आदत नहीं है उन्हें इस तरह देखने की, हमेशा फनी मूड में ही नजर आते हैं, इस वजह शायद हमें अजीब लग रहा है। लेकिन इनके देशभक्ति वाली एक फीलिंग जो होती है ना यार, जैसे वो तो अक्षय कुमार को ही देख के आती है। नहीं, अब विकी कौशल ने उरी मूवी करी थी, उसमें उनको देख के लगा था कि यार देशभक्ति, मैं कुछ भी कर पाऊं, कर दूंगा, कर जाऊंगा, मार डालूंगा। लेकिन इनमें थोड़ा बहुत ही सुस्त लग रहा था, जैसे आई डोंट थिंक द मूवी एक्चुअली। आप ये देखो ना कि ये कोई आर्मी पर्सन नहीं है, ये एक नॉर्मल सी टीम है जो इतना बड़ा कारनामा करके वापस आती है। मतलब बहुत ही अनयूजुअल लोग हैं जो एक यूजुअल काम करने के लिए निकले हैं। मतलब ये ऐसे इंसान को ढूंढने जाए जिसको आम आदमी ही ढूंढ सकता है, आर्मी वाला या कोई पुलिस वाला नहीं ढूंढ सकता, जो काफी चौड़ा हो, काफी ज्यादा चौड़ा। चौड़ाई की तो मत ही बात कीजिए, अर्जुन कपूर तो इसमें कुछ ज्यादा ही चौड़े लग रहे हैं। लेकिन आई थिंक मूवी अच्छी है, काफी अच्छा ट्रेलर है। इसका टीजर भी बहुत अच्छा था, लेकिन ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन है। 2 मिनट 30 सेकंड का ट्रेलर है, लेकिन
आई थिंक इट्स गोना बी गुड मूवी. इसमें कोई लड़की नहीं दिख रहा, आई थिंक कोई एक्ट्रेस ही नहीं है इस मूवी में, कोई एक्ट्रेस नहीं है इसमें. मुझे भी ऐसे लग रहा है क्योंकि ट्रेलर में एक आध झलकियां तो दिख ही जाती हैं. सारे इसमें मर्द दिख रहे हैं, आई एम सॉरी बट मोस्टली मेन इसमें दिख रहे हैं. और स्टोरी 24 मई को आएगी, मतलब 24 मई को मूवी रिलीज हो रही है. इस मूवी के डायरेक्टर वही डायरेक्टर जिसने रेड, नो वन किल जेसिका और आमिर जैसी बेहतरीन मूवीज बनाई है. तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मूवी उसी पार उसी लेवल पे आए और हमें देशभक्ति का एक लेसन, नया लेसन सिखा जाए. और मोदी तो हमारे पीएम हैं और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हो सकते हैं. इस तरह की मूवी बन रही तो शायद इसका इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है क्योंकि इस समय ज्यादा लोग ने देशभक्ति और जो भी अटैक के बाद ऐसी मूवीज भी तो आ रही है ना पल्लवी जी, जो हमारे अंदर की देशभक्ति को जगा दे रही हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. अब जो अभी जो पठानकोट का हुआ था, इन सब के अटैक से बाद आपको लगता है ना कि यार हाँ हम देशभक्त हैं, हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो अच्छा लगता है जब ऐसी मूवीज आती है जिसमें कुछ नई स्टोरी हो, स्पेशली जब आप ऐसे लोगों के बारे में जानते हो जिनके बारे में आपको पता भी नहीं कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं. ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी अपनी जिंदगी कुर्बान करना चाहते हैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि वो एक बेहतरीन जिंदगी जी सके. पल्लवी बिना हमारे जाने उनके नाम दफन हो जाते हैं. ऐसी मूवीज को सलाम करना चाहिए कि जो हमें उनके नाम से रूबरू करवाती हैं. आपने रेड मूवी देखी थी? हाँ मैंने देखी थी, काफी अच्छी थी ना. पता नहीं मुझे इतनी खास नहीं लगी, मुझे स्पेशल 26 ज्यादा बेटर लगी. और नो वन किल जेसिका, नो वन किल जेसिका तो बहुत ही बेहतरीन थी. लेकिन उनका जो एक लेवल था वो बहुत ही डिफरेंट. हम जब भी अंडरकवर एजेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक था टाइगर याद आता है या फिर फैंटम याद आता है. क्योंकि इन मूवीज में काफी ज्यादा सही तरह से दिखाया कि गया है कि ऐसे लोग भी प्रेजेंट होते हैं हमारे देश में जो दूसरे देश में जीते हैं ताकि वो अपने देश वालों को एक सेफ एनवायरमेंट दे पाए. बिल्कुल, उनको एक सेफ और सिक्योर लाइफ दे पाए और ताकि उनके जो देशवासी उनको पता भी ना हो कैसा कुछ हुआ है. अब 26/11 को ले लीजिए जब वो हुआ था, हम सब कांप चुके थे कि ऐसा कैसे हो सकता है. लेकिन उसमें जो पुलिस इंस्पेक्टर्स, जो आर्मी पर्सनल्स, जो लोग शहीद हुए थे, जो लोग मर गए थे, जो लोग घायल हो गए थे, उनको अभी भी हम याद करते तो हमारे दिल में बस एक तो ना सल्यूट करता और कहते कि अगर वो लोग नहीं थे तो हमारा क्या होता. सो इट इज वन ऑफ दोज मूवीज और हम उम्मीद करते हैं कि इसका बॉक्स ऑफिस ओपनिंग काफी अच्छी हो क्योंकि कल ही मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है. इसको 7 मिलियन व्यूज मिल चुके तो काफी अच्छा है. लेकिन एज कंपेरिजन टू बाकी मूवीज काफी, बिकॉज इसका स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें पहली बात तो किसी एक्ट्रेस की एंट्री अभी तक दिखाई नहीं गई है. अगर इसके कम व्यूज की बात करूँ तो 7 मिलियन इसने मिले बिकॉज अर्जुन कपूर इज नॉट दैट लेवल ऑफ एक्टर. दूसरी बात ये कहती है इसकी प्रमोशन भी ज्यादा नहीं किया गया क्योंकि अगर हम सलमान खान के भारत की बात करें तो वो हर एक एड्स में आ रहा था. उसका सेकेंड पार्ट भी कुछ ज्यादा ही एडवर्टाइजमेंट हो रहा है. मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं बिकॉज जब ऐसी मूवीज की बात आती है तो मार्केटिंग नहीं करना चाहिए बिकॉज इट शुड बी फ्रॉम योर प्योर हार्ट, दिल से निकलनी चाहिए ऐसी चीजें. और आई एम रियली यू नो हैप्पी विद द थिंग्स दे हैव शोन इन द ट्रेलर. और मुझे लगता है मूवी वैसी धांसू होने वाली है. मूवी तो धांसू होने वाली है, ये तय है, इस ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा है. तो हम चलिए 24 मई का इंतजार करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा एक्ट किया अर्जुन कपूर ने, शायद वो उन्होंने ऐसा इसलिए एक्ट किया क्योंकि मूवी में वैसी ही जरूरत हो. क्योंकि मुझे पता है वो काफी ज्यादा अर्जुन कपूर बन सकते हैं. पल्लवी अर्जुन कपूर एक अच्छे एक्टर हैं, इस चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकती. तो मुझे जहां तक लगता है कि उनका एक्टर मतलब उनका जो किरदार है वो इस फिल्म में ऐसा ही, इसी वजह से वो आपको इतने लेजी और ढीले ढाले से लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा फाइटिंग मूवीज भी करी. मुझे लगता है कि शायद मूवी की डिमांड ऐसी उस वजह से शायद ऐसे दिख रहे हैं. लेकिन आई थिंक मूवी बेटर होगी और हम उम्मीद करते हैं कि मूवी ट्रेलर से ज्यादा बेटर हो क्योंकि कभी कभी लोग ट्रेलर में पूरी मूवी दिखा देते हैं, वैसा ना हो. मुझे तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि मूवी भी ऐसी ही अच्छी होगी जैसे मैंने रेड और नो वन किल जेसिका देखी है. तो मुझे तो यही उम्मीद है कि मूवी अच्छी होने वाली है. तो मतलब अभी तक हमने जितनी भी देशभक्ति मूवी देखी ये उसी के लेवल की होगी आप ये कह रहे हो? हाँ मुझे लगता है कि हो सकती है क्योंकि रियल स्टोरी आपको कनेक्ट करती है ना. तो और ये भी एक रियल स्टोरी है तो कनेक्ट तो करेगी ऑडियंस को. तो आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये ट्रेलर और आपको हमारा ट्रेलर पर रिएक्शन कैसा लगा ये भी जरूर शेयर करिएगा. आज के लिए बस इतना ही. ऐसे और रिएक्शंस और ऐसे और गपशप के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बॉलीवुड मिरर. बॉलीवुड और टेलीविजन की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड मिरर और बेल आइकन को दबाना मत भूलें.